झारखंड के देवघर दे विच कई इंसानी जिंदगियां कई घंटियां दे लई आसमान दे विच अटकिया रही। अजिहा इसलिए क्योंकि रोप वे ते हादसा वापरिया, दो ट्रॉलियां आपस दे विच टकरा गईयां। दर्दनाक हादसे दे विच दो लोगों ने जान गवाई, जदों की कई 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 घंटे इंतजार करते रहे कि मदद पहुंचेगी। चौबी घंटे बाद भी 40 जिंदगियां हवा च लटकदिया रहियां। दिल दहलाउण वालियां तस्वीरां झारखंड दे देवघर च त्रिकूट पहाड़ दियां ने, जिथे एतवार शाम अजिही लापरवाही हुई जिसने दो लोगों की जान ले ली ते 40 तो वध लोग पूरी रात हवा च लटके रहे, जिन्हां दा पल पल जिंदगी ते मौत विचाले कट रहा सी। जानकारी मुताबिक 12 ट्रालियां अद विचकार फसियां, जिस च 48 लोग मौजूद सन। ए हादसा दो ट्रालियां दे आपस च टकराउण कारण वापरिया। दर्द महसूस हो रहा था, लेकिन हम लोग बराबर जो है जो हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर रहे थे। इन लोग को भी लगातार प्रयास रहा था, हम लोग से बात कर रहे थे और उसी समय पे हम लोग को बराबर अच्छा जानकारी दे रहे थे। समय समय पे हम लोग को पानी और बिस्किट भी मिल रहा था। हम लोग हौसला रखे हुए थे, दौड़ से रखे थे, बचा नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी डर सा लग महसूस हो रहा था, तो हम लोग बचेंगे कि या नहीं नहीं बचेंगे। दो बार हेलीकॉप्टर आए का जवान चला गया, हम लोग सोच में पड़ गए थे। लेकिन इसके बाद भी इन लोगों के जवान कृपा से, आर्मी की सबकी कृपा से हम लोग अच्छी तरह से सहूलियत से। आपके कैबिन में कितने लोग थे? चार आदमी थे। चारों निकल गए सुरक्षित? हमको पहले और आदमी निकल ले तब तक सर हमको लेके इधर आ गया। हालांकि घटना के तुरंत बाद फौज, हवाई सेना ते एनडीआरएफ ने मोर्चा संभालिया, पर विचाले पेंदिया रोपवे दियां तारां रेस्क्यू च वड्डा अड़िका बंदियां रहियां। हवाई फौज दे हेलीकॉप्टर 6 घंटे दियां कोशिशां तो बाद नाकाम रहे, यानी 40 तो वध लोग पूरी रात हवा च लटके रहे। सोमवार चढ़दी सवेर मुड़ रेस्क्यू शुरू होया। करीब 20 घंटे बाद पहला 8 सैलानियां नूं रेस्क्यू कीता गया ते फिर सोमवार शाम तक सारे लोगों नूं कढ लिया गया। कल रात को ITBP की हमारी एक टीम गई थी वहां पे, जिसमें हमारे माउंटेनियर्स और ट्रेंड हमारे जो रेस्क्यूअर्स थे उनकी पूरी टीम थी, मेडिक्स भी था उनके साथ, दवाइयों के साथ हम लोगों ने भेज दिया था। देर रात वो लोग पहुंच गए थे, लेकिन काफी अंधेरा था और जो गैप्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं। लगभग 12 ट्रॉलीज जिनमें कि 48 लोगों के फंसे होने की हमको सूचना मिली थी। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने जो सबसे नीचे वाली ट्रॉली थी, जो लगभग 60 फीट है जिसका ग्राउंड से जिसका लेवल, उसमें से 4 लोगों को सेफली निकाल लिया गया है। और साथ ही जो हमारी सिस्टर एजेंसीज हैं, इंडियन एयरफोर्स है, आर्मी है, NDRF है, और जो स्टेट पुलिस के भी लोग हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, उनके माध्यम से भी लोगों को बचाने का काम जारी है। एक और जो ट्रॉली थी उसमें से भी 4 लोगों को थ्रू शॉट ही निकाल लिया गया है, जो होवर करके निकाला जा रहा था। तो अब 8 लोग निकाल लिए गए जैसे मुझे सूचना मिली है, और बाकी जो 40 लोग हैं उनको भी निकालने का काम लगातार जारी है। हमारी पहली प्रायोरिटी है कि हम लोगों को सुरक्षित निकालें और स्वस्थ तरीके से उनको नीचे लेके आए, खाना भी पहुंचाया जा रहा है। जिस पर कल से ही मेरी नजर है, और NDRF से भी मदद ली गई है, एयरफोर्स से भी मदद ली गई है, और जो इसके एक्सपर्ट्स हैं गरुड़ा कमांडोज, उनका भी सहायता लिया जा रहा है। और जो उस रोपवे को जिन लोगों ने बनाया है उनकी टीम भी पहुंच गई है, और कुल मिलाकर के सभी तरीके से प्रयास हो रहा है। और चूंकि रात थी, रात के समय बहुत सारी चीजें नहीं हो पाई, लेकिन सभी तैयारी के साथ लोग अर्ली मॉर्निंग से वहां पहुंच चुके हैं और चीजों पर हम लोगों की नजर है। रोपवे दियां ट्रालियां करीब 2500 फुट दी ऊंचाई ते फसियां सन, इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करने तो पहला सुरक्षा दे पुख्ता इंतजाम किए गए। जानकारी मुताबिक इन ट्रालियां च फसे लोग अपने डर ते काबू पाउण दे लई एक दूजे नाल गल्लां करदे रहे, तां जो जिंदगी दी इस लड़ाई च हौसला कायम रह सके। हालांकि प्रशासन वल्लों ट्रालियां च फसे लोगों तक खाना भी पहुंचाया गया, पर विचाले पैंदियां रोपवे दियां तारां रेस्क्यू च वड्डा अड़िका सन। हादसे की वजह लोड तो वध ट्रालियां ही दसियां जा रही हैं। हालांकि प्रशासन वल्लों मामले की जांच की जा रही है। हादसे तो बाद झारखंड के सैर सपाटा मंत्री ने दावा किया कि इस रोपवे नूं चलाउण दे लई दामोदर वैली नूं ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। इस तों इलावा यह हादसा किवें होया, रोपवे की मेंटेनेंस किवें हो रही सी, इन्हां तमाम पहलुआं की भी जांच की जाएगी।
है और इसका जांच हम लोग कराएंगे। जिस तरह हम देखे हैं कि दो पुलिया जो है टेढ़ा हुआ है, तो कितना दिन पहले से घिसा हुआ है, क्या है, उसको हम जांच करेंगे। सर घायल भी हुए हैं, मौत भी हुई है। जी जी, तो क्या उस चीज के लिए हम लोग करेंगे, लेकिन अभी आचार संहिता चलते हम लोग नहीं हो। जो फंसे हुए हैं उनके लिए क्या किया जा रहा है, रेस्क्यू के लिए? इसकी टीम लगी हुई है 5-6 बजे से लगी हुई है। हम लोग उम्मीद है कि हम लोग पहुंचते ठीक हो जाएगा सब। जेकर इस त्रिकूट रोपवे की गल की जाए तो यह भारत का सब तो उच्चा त्रिकूट रोपवे है। ए रोपवे त्रिकूट पहाड़ की 2470 फुट उची चोटी ते स्थित है। देवघर शहर तो 20 किलोमीटर दूर है। जमीन तो रोपवे की उचाई 1500 फुट है। रोपवे की कुल लंबाई 766 मीटर है। त्रिकूट रोपवे च लोगों के लिए 26 कैबिन ने। चोटी तक पहुंचने के लिए 8 से 10 मिनट लगते ने। रोपवे दे सफर दे लई 130 रुपए वसूले जांदे ने। खैरे कोई पहला हादसा नहीं जदों लोकां दी जिंदगी इंज कई घंटे हवा च लटकदी रही होवे। इस तों पहला 1992 च वी परवाणू रोपवे हादसा वापरिया सी। कसौली तहसील दे परवाणू रोपवे ते हादसा होया सी। 1992 च इह हादसा वापरिया सी। इस हादसे दौरान 10 लोकां दी जिंदगी हवा च अटकी सी। ट्रॉली दे असिस्टेंट सने 12 लोग इस च शामिल सन, जिन्हां च एक बच्चा भी सी। ट्रॉली दे असिस्टेंट ने जान बचाउण दे लई ट्रॉली तो जंप कीता, पर मौके ते ही उसकी मौत हो गई। दरवाजा बंद होने तो पहला एक व्यक्ति भी डिगन नाल जख्मी हो गया सी। पंजाब मेल दे विच अज दे लई इन्ना ही। मैनू दिओ इजाजत। परदेश दुनिया ते पंजाब दी हर वड्डी खबर देखण दे लई देखदे रहो एबीपी सांझा।